जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम में। आज हम उपस्थित हुए एस्ट्रो राम अवतार मिश्रा वेद ज्योति संस्थान के माध्यम से आज लेकर आए हैं जो है वृषभ राशि सितंबर माह का राशिफल। विशेष राजयोग क्या बन रहा है वृषभ राशि वालों के लिए, हम आइए जानते हैं। हमारे वीडियो लास्ट तक देख के विस्तार से हम आपको बताएंगे कैसे आपको इससे अच्छी से अच्छी जानकारी प्राप्त हो सकती है। सबसे पहले इसमें विशेष फेस्टिवल क्या है, त्यौहार हम बताना चाहते हैं। 7 तारीख को अमावस्या है, पितरों की पूजा करें, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा आपको। 10 तारीख को गणेश उत्सव है, गणेश जी की पूजा करें, गणेश जी का आगमन हो रहा है, बड़े धूमधाम से मनाएं, उनका कृपा सद्बुद्धि की आपकी प्राप्ति हो। 20 तारीख को पूर्णमासी है, भगवान विष्णु की पूजा करें, उनसे भी आपको सभी प्राप्ति होगी, सफलता मिलेगी। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, शुक्र एक लग्जरी का कारक है, तो शुक्र जो है ना सितंबर माह में नीच के रहेंगे, यानी राशि स्वामी आपका नीच का रहेगा कन्या राशि में, तो आपको लग्जरी का सैया सुख है, जो भी इस तरह की जो भौतिक सुख सुविधाएँ हैं उसमें कोई ना कोई कमी आ सकती है। तो स्त्रियों को आपको सम्मान करना, किसी स्त्री से आपको विवाद नहीं करना है। यदि आप विवाद करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका इसमें गलत योग बन सकता है, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा हो सकती है, उससे आपको मान हानि धन हानि दोनों हो सकती है। इस पर विशेष आपको गौर करना है। आपकी इस महीना वाणी बहुत स्ट्रांग रहेगी, स्ट्रेट वाणी बोलेंगे आप, तेज बोलेंगे, उससे आपके काम खराब हो सकते हैं, तो आपको मधुर प्यार से बोलने की आवश्यकता रहेगी। सूर्य मंगल आपके सिंह राशि में भ्रमण करेंगे चतुर्थ भाव में, तो आपका भूमि संबंधी जो आपका पैसा फंसा हुआ है उसको आप ले सकते हैं, उससे भी आपको सफलता मिलेगी। या कोई ना कोई आपका केस चल रहा है उससे भी आपको शुभ समाचार मिलने के संकेत है। जीवन में जितना भी आप आगे बढ़ेंगे उतना आपको सफलता मिलेगी, बशर्ते ईमानदारी के साथ आप कोई भी काम करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। मंगल चतुर्थ में विराजमान होने से मंगली दोष का निर्माण हो रहा है, तो जिसको आप चाहते हैं प्यार करते हो उससे बड़े प्यार से आपको बोलना है। बुध शुक्र पंचम में भ्रमण करेंगे कन्या राशि में, तो बुध यहाँ उच्च का हो जाता है, तो आपकी जो सोच है पंचमेश आपको बहुत बड़ी है, दिमाग आपका बहुत तेज चलेगा, लेकिन दिमाग के साथ जो आप परीक्षा में कंपटीशन में भाग लेंगे, सरकारी है या कोई भी इस तरह की कंपटीशन में आप काम करेंगे, परीक्षा देंगे, उसमें भी शुभ संकेत दिखाई दे रहा है, उसमें आप पार हो जाएंगे। केतु आपके सप्तम विराजमान है, तो किसी से आप साझेदारी ना करें, यानी पार्टनर में काम सितंबर माह में ना करें, कहीं ना कहीं कोई वाणी दोष लग सकता है जिससे आपके काम खराब हो सकते हैं। दूसरा, आप सारा चीज़ बताएं, कुछ चीज़ें शेयर ना करें, जब काम हो जाए तब बताएं, तब आपके सारे काम होंगे। शनि आपका नवम भाव में भ्रमण करेगा मकर राशि में, ये आपके लिए बहुत ही योगकारी है। मकर का शनि और भाग में भ्रमण से आपका भाग का सपोर्ट मिलेगा, और भाग के साथ आपका जीवन में कुछ और भी समाचार हैं जो आप प्राप्त करना चाह रहे थे नहीं हो पा रहे थे, सितंबर माह में श्योर हैं आपके हो जाएंगे। दूसरा, गुरु आपके कुंभ राशि में दशम भाव में केंद्र में विराजमान रहेंगे, इसमें आपके लिए आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, संतान का सुख मिलेगा, और राज सरकार नेता जो लोग नेता लोग होते हैं या सरकार से जो आप पाना चाहते थे कोई सपोर्ट लेना चाहते थे वो भी आपको मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। वृषभ राशि के लिए आप लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ करना चाहते हैं तो गौ माता को सफ़ेद गाय को रोटी घी में थोड़ा लगाकर चीनी डालकर खिलाएं, मीठा रोटी, उससे आपको शुभ संकेत मिलेंगे। दूसरा, आप दुर्गा जी की पूजा कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, उससे दुर्गा जी और शुक्र ग्रह आपका बलिष्ठ होगा। तीसरा, यदि आप व्यापार हैं, व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी वाले नौकरी में आपको प्रमोशन नहीं हो रहा, विदेश से आपको लाभ नहीं हो रहा, स्त्री से आपका अनमन रहता है, पटती नहीं है, हैं एक स्वर नहीं मिलता है, तो उसके लिए आपको एक फायर ओपन ऑस्ट्रेलियन देश का होता है, पूजा प्रतिष्ठा जिम्मेदारी के साथ आपको धारण करना है, उससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा, उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। बशर्ते आपको जो भी काम करना है बड़े सावधानी से ईमानदारी के साथ करने हैं और तब जाके आपको सफलता मिलेगी। स्त्रियों का आपको सदा सम्मान करना, उनका अपमान नहीं करना है, और बुजुर्गों से आपको आशीर्वाद की कामना के लिए सदा कामना करते रहना है। दूसरा, कोई आपके विशेष प्रश्न ऐसे होते हैं जो आप पूछना चाहते हैं, समय के हिसाब से जो सारी चीज़ आप सामने नहीं कह सकते तो हमारे फ़ोन के माध्यम से नीचे दिए नंबरों संपर्क आप कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे। दूसरा, आपके लिए जो है शुक्रवार के दिन सफ़ेद कपड़ा पहनना है, वाइट कपड़ा पहने शुक्र आपका बलिष्ठ होगा और चंद्रमा बलिष्ठ होगा, सफ़ेद कपड़ा पहनना है। शुक्र को दान कोई चीज़ आपको नहीं लेनी है, शुक्रवार को आपको दही चावल चीनी और दूध और थोड़ा शहद ये दान कर सकते हैं, इससे आपका शुक्र बलिष्ठ होगा। तो दर्शकों, समय के हिसाब से आप जो जो करेंगे, जो बीज बोएंगे आपको सफलता मिलेगी। ज्योतिष साथ तीसरा नेत्र है, आपको रंग से राजा बनाएगा और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। ज्योतिष को समझें और ज्योतिष के संबंधित जानकारी रखने वाले हैं दर्शक हैं उनके लिए कोई विशेष, यदि आपको क्वेश्चन है क्योरी है आप हमसे पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे क्या वीडियो बनाना है, क्या आपका प्रश्न है बताएंगे। अपना ध्यान रखें। जय माता दी।